हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैम कैफे। अपने प्रीवियस क्लास में मैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और प्रॉपर्टी क्यों पीरियोडिक होते हैं, साथ ही साथ एलिमेंट्स का आईपैड नेम लिखना बताया था। आज हम लोग पीरियोडिक टेबल में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, लेकिन क्लासिफिकेशन के पहले एलिमेंट्स का नाम कैसे लर्न किया जाएगा और उनका एटमिक नंबर कैसे रिमाइंड किया जाएगा, पीरियोडिक टेबल में किस पार्टिकुलर ग्रुप का क्या स्पेसिफिक नाम है, वो सारी चीजें वन बाय वन। तो पीरियोडिक टेबल में यदि हम लोग किसी भी एलिमेंट्स का नाम, ये हमारा पीरियोडिक टेबल का आउटलाइन है, और नेमिंग यदि हम लोग ग्रुप वाइज लर्न करें तो काफी ज्यादा इजी हो जाता है। जैसे ग्रुप वन में हम लोग यदि एक सेंटेंस बना ले, है ली ना का रब से फरियाद, तो देखिए हो गया, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। सेंटेंस क्या बना, है लीना, लीना का रब से फरियाद। ऐसे ग्रुप टू में यदि हम लोग चलें, बेटा माने कार स्कूटर, बाप राजी। इसके बाद डी ब्लॉक में एक यहां पर ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ जाते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मैं दूसरे तरीके से नाम बताऊंगा, लेकिन 13th ग्रुप में भी हम जाएं तो 13th ग्रुप का होगा बैगन, आलू, गाजर, इन थैला। तो यहां से आपका बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, थोड़ा सा और नीचे मुझे लिखना पड़ेगा, इन थैला। 14th का कहे, सिया, जी, सुनो प्रभु, कहे सिया जी सुनो प्रभु। 15th का नापो, नापो ऐसा सब बिके, नापो ऐसा सब बिके। 16th थोड़ा सा मजाकिया मैं बना रहा हूं, ओ सोनाक्षी सेक्सी तेरी पोज। 17th में फिर कल बाहर आई आंटी। 18th हिना नीना और करीना की जीरोक्स रंगीन। ऐसे करके हम हर एक का बना लेंगे, लेकिन जब हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जाएंगे तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स का हम लोग ग्रुप वाइज नहीं करेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का पीरियड वाइज करेंगे। कैसे, साइंस टीचर वेरी क्रूएल, साइंस टीचर वेरी क्रूएल। तो साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीमे कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। नेक्स्ट हमारा यारी, जरा, निभा, मोड़ तक, रुक, राह में, रुक राह में पड़े सिल्वर कैडमियम, रुक राह में पड़े सिल्वर कैडमियम। इसके बाद आप यहां भी बना सकते हैं ला हप्ता, टेंटलम ला हप्ता, वरना डब्लू ला हप्ता, वरना रे उस, रे
पिटाई और होगी, इधर पिटाई और होगी मरकरी। ऐसे करके सेंटेंस बनाया जा सकता है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग में सेंटेंस बनाइएगा, बनाकर इसको लर्न कर लीजिएगा। अब यहां पर लेंथनम और एक्टिनम, लेंथनम एक्चुअली 14 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, हर एक का प्रॉपर्टी लेंथनम से रिसेंबल करता है, इसलिए यहाँ लेंथनम लिखकर बाकी सबको 14th को नीचे दिखा गया है, स्टार्टिंग फ्रॉम सीरियम टू ल्यूटनेशियम फॉर लेंथनम और एक्टिनम के लिए थोरियम टू लॉरेंसियम। अब मैंने यहाँ पर आपको पीरियोडिक टेबल में हर एक एलिमेंट्स के बारे में बताया। हमें लर्न रखना पड़ेगा मैजिक नंबर, जिसको हमने कहा था 2, 8, 8, 18, 18, 32 एंड 32। ये चीजें यदि हमें रिमाइंड है तो इस पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट्स का एटमिक नंबर आपको रटना नहीं पड़ेगा, किसी भी एलिमेंट्स का मैं बता रहा हूं। तो सपोज मुझे कैडमियम का एटमिक नंबर चाहिए, बहुत आसान है, कैडमियम के ऊपर जितने भी हैं सबको प्लस कर दो, कितना हो गया 10, 8, 18, 18, 18, 36। उस 36 में आप इस ग्रुप नंबर को ऐड कर दो, 36 प्लस ग्रुप नंबर यहां पर कैडमियम 12, 48, एटमिक नंबर ऑफ कैडमियम इज 48। किसी भी एलिमेंट्स का तो यहां पे मैं बता रहा था मैजिक नंबर के थ्रू किसी भी एलिमेंट्स का हम लोग एटमिक नंबर निकाल सकते हैं। सपोज मुझे एटमिक नंबर चाहिए HF का, HF, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग HF के ऊपर जितना भी है सबको प्लस कर लिए, कितना हो गया 2, 8, 10, 18, 18, 18, 18, 3 या 54। उसके बाद हम लोग ग्रुप देखेंगे, 4 है, लेकिन यहां पर एक आपको प्रॉब्लम होगा, क्या ये जो बीच में लेंथनम ऐड हुआ है, लेंथनम अकेले 14 अदर एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, तो यहां पे 14 भी आपको प्लस करना पड़ेगा, आपका हो गया 72। तो हाफ मैनियम का आपका एटमिक नंबर 72, किसी का भी आप निकाल सकते हो, रोनियम का तो इसके पहले प्लस करो, कितना हो गया 2, 8, 8, 18, मतलब 36 हो गया, ग्रुप नंबर 9 हो गया 45, एटमिक नंबर 45। तो ये तो ठीक रहा एटमिक नंबर निकालने का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा है कुछ स्पेसिफिक ग्रुप को स्पेसिफिक नाम दिया गया है, स्पेसिफिक ग्रुप को स्पेसिफिक नाम दिया गया, जैसे ग्रुप वन, ग्रुप वन का स्पेसिफिक नाम है एल्कली मेटल, एल्कली मेटल। ग्रुप टू, इसका स्पेसिफिक नाम है एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक उसी प्रकार से ग्रुप 11 को देखा जाए तो इसका नाम है कॉइनेज मेटल, क्योंकि इनसे कॉइन्स बनाया जाता है, तो इनका नाम हो गया कॉइनेज मेटल। ग्रुप 18 को देखा जाए तो इनका नाम है एरोजेंस, क्योंकि एक गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। 17th, इनका स्पेसिफिक नाम है हेलोजेंस, हेलो मींस होता है सॉल्ट, जेन मींस प्रोड्यूसर, इसका स्पेसिफिक नाम कैल्कोजेन और प्रोड्यूसर, इसका नाम है निकोजेन। तो यह ग्रुप वाइज एक स्पेसिफिक नाम हुआ, यदि कोई एल्कली मेटल कहता है तो संग-संग समझ जाइए कि एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप वन, यदि कोई एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलता है तो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप टू, कॉइनेज मेटल बोलता है तो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 11, इसी प्रकार आपको यदि हैलोजेंस कहता है तो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17, कैल्कोजेन कहता है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, निकोजेन कहता है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15।
अब यदि हम लोग पीरियड वाइज क्लासिफिकेशन करें तो यहां पे हमें दिख रहा है पीरियड वाइज, मुझे थोड़ा सा रब करना पड़ेगा सीबीएम और लॉरेंसियम को, टोटल 7 पीरियड है। पीरियड 1 में यदि हम लोग देखें, पीरियड 1 में ओनली 2 एलिमेंट्स हैं, कौन कौन सा आपको दिख रहा होगा, हाइड्रोजन एंड हीलियम, ओनली 2 एलिमेंट्स, इसलिए इसको एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है वेरी शॉर्ट पीरियड, वेरी शॉर्ट पीरियड। उसके बाद यदि हम लोग पीरियड 2 और 3 लेते हैं, पीरियड 2 एंड 3 इच के अंदर 8 एलिमेंट्स हैं, इनको हम लोग कहते हैं शॉर्ट पीरियड। कहां से स्टार्ट है, ग्रुप 2 लिथियम से लेकर नियॉन तक, और सॉरी पीरियड 2 लिथियम से नियॉन तक, पीरियड 3 सोडियम 2 ऑर्गन, इनको बोला जाता है शॉर्ट पीरियड। इच में 8 एलिमेंट्स हैं। ग्रुप 4 एंड 5 देखा जाए, सॉरी पीरियड 4 एंड 5 देखा जाए तो इच में 18 एलिमेंट्स हैं, इच में 18 एलिमेंट्स। 4 का स्टार्टिंग पोटेशियम से हो रहा है, क्रिप्टन के पास जाकर फिनिश हो रहा है, 5 का रुबिडियम के पास से स्टार्ट हो रहा है और जेनॉन के पास जाकर फिनिश हो रहा, इच में 18 है। इन्हें लॉन्ग पीरियड बोला जाता है, लॉन्ग पीरियड। उसी प्रकार से यदि पीरियड 6 और 7 लीजिएगा, इच में 32 एलिमेंट्स होते हैं, इच में 32 एलिमेंट्स। 6 सीजियम से स्टार्ट हो रहा है, रेडियम के पास जाकर खत्म हो रहा है, 7 फ्रेंसियम से स्टार्ट हो रहा है, और 118 UUO के पास जाकर खत्म हो रहा है, 118। अब इसमें 32 एलिमेंट्स हैं, इसलिए इसका स्पेसिफिक नाम हुआ वेरी लॉन्ग पीरियड, वेरी लॉन्ग पीरियड। तो फिर से वंस मोर, ग्रुप 1 सॉरी पीरियड 1, पीरियड 1 को शॉर्ट पीरियड बोला जाता है क्योंकि दो ही एलिमेंट्स हैं, पीरियड 2 एंड 3 शॉर्ट पीरियड, इच में 8 एलिमेंट्स, 4 एंड 5 लॉन्ग पीरियड 18 एलिमेंट्स, 6 एंड 7 वेरी लॉन्ग पीरियड 32 एलिमेंट्स इच। ओके, अब चल रहे हैं क्लासिफिकेशंस के ऊपर। तो क्लासिफिकेशन दो डिफरेंट तरीके से हुआ, एक था बोश का क्लासिफिकेशन जिसमें बोश ने रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स नाम दिया, फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के बाद एरोजेंस या नोबल गैस, एरोजेंस का एक और नाम है नोबल गैस, नोबल गैस। तो पहला मेरा बोर्स क्लासिफिकेशन यदि हम लोग लें तो बोर्स क्लासिफिकेशन में रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, नोबल गैस, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। फिर से मैं नाम बता दे रहा हूं, बोर्स के क्लासिफिकेशन में रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स आते हैं, नोबल गैस आते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आते हैं, इनर ट्रांजिशन आते हैं और ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स आते हैं बोर्स के क्लासिफिकेशन में। तो अकॉर्डिंग टू बोर्स क्लासिफिकेशन दीज डिफरेंट नेम्स, जैसे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हुआ, नोबल गैस हुआ, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हुआ, इनर ट्रांजिशन हुआ और ट्रांस यूरेनिक हुआ, इनका नाम कैसे पड़ा, तो मैं वन बाई वन लेके चल रहा हूँ। पहले बोर्स क्लासिफिकेशन, उसके बाद फिर दूसरा क्लासिफिकेशन लूंगा ब्लॉक वाइज। बोर्स क्लासिफिकेशन, बोर्स ने इसको क्लासिफाई किया था, बोर्स क्लासिफिकेशन। फर्स्ट वन इज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोल सकते हैं, या किसी किसी बुक में एक और नाम दिया गया है कॉमन एलिमेंट्स,
कॉमन एलिमेंट्स इसलिए क्योंकि कॉमनली यही एलिमेंट्स लोअर क्लास में रिपीट होते हैं, मैक्सिमम केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो बोर्ड ने रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स उन एलिमेंट्स को बोला जिनका लास्ट सेल इनकम्प्लीटली फिल्ड हो, मीन्स आप कह सकते हो लास्ट सेल इनकम्प्लीटली फिल्ड, इनकम्प्लीटली फिल्ड, लास्ट सेल इनकम्प्लीटली फिल्ड है। अब हम लास्ट सेल देखें तो यहां से एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल, यानी ग्रुप वन और ग्रुप टू, फिर ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 17 तक इसमें आते हैं। ग्रुप वन और टू का एक और स्पेसिफिक नाम है एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट, और यहां से लेकर 18 को टोटल हम लोग नाम देते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। लेकिन यदि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोला जाए तो उसमें ग्रुप 18th वाले एलिमेंट्स नहीं रहते हैं, क्योंकि ग्रुप 18th में लास्ट सेल पूरी तरह भर जाता है, इसलिए ग्रुप 18th को हम इसमें इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स जिसमें लास्ट सेल कंप्लीटली इनकम्प्लीटली फिल्ड हो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। इसमें ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13, ग्रुप 14, 15, 16 और 17 के एलिमेंट्स आते हैं। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2, 13, 14, 15, 16, 17, नॉट 18। नेक्स्ट बोर्ड का दूसरा क्लासिफिकेशन था नोबल गैस। नोबल गैस यानी वे एलिमेंट्स जिनमें लास्ट सेल पूरी तरह फिल्ड हो, पूरी तरह फिल्ड हो, कंप्लीटली फिल्ड हो, उसको बोला जाएगा नोबल गैस। और नोबल गैस में एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18, इनको हम लोग बोलेंगे नोबल गैस, नोबल गैस एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18। बोस का थर्ड जो क्लासिफिकेशन था वह था ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स सिंपली उन एलिमेंट्स को बोला जाता है जिनका प्रॉपर्टीज इसके और इसके बीच का हो, इसीलिए इनको बीच में रखा गया, क्योंकि इन सारे एलिमेंट्स को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनका प्रॉपर्टीज या एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का इंटरमीडिएट है, इसलिए ट्रांजिशन बोला गया। और इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन में कहा लास्ट टू सेल इनकम्प्लीट है, क्या लास्ट टू सेल, लास्ट टू सेल में क्या क्या आ जाएगा, इनकम्प्लीट है। लास्ट टू सेल में क्या क्या आ जाएगा, अल्टीमेट सेल एंड पेनल्टीमेट सेल, यानी सबसे बाहर वाला सेल और जस्ट उसके अंदर वाला सेल, दो सेल यदि इनकम्प्लीटली फिल्ड है तो उसको ट्रांजिशन बोला जाएगा। फोर्थ इनका क्लासिफिकेशन था इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसमें लास्ट थ्री सेल इनकम्प्लीटली फिल्ड होता था, अल्टीमेट, पेनल्टीमेट और प्री पेनल्टीमेट, ये लास्ट थ्री सेल इनकम्प्लीटली फिल्ड रहता था। अब यहां पर यदि हम लोग ट्रांजिशन में देखें तो अल्टीमेट सेल सबसे बाहर वाले सेल में, सबसे बाहर वाले सेल में आपका एक इलेक्ट्रॉन, अंदर वाले सेल में सॉरी एक नहीं सबसे बाहर वाले सेल में टू इलेक्ट्रॉन, अंदर वाले सेल में उसके अंदर वाले सेल में 11 से 18 तक। यहां यदि देखा जाए तो मैंने कहा लास्ट थ्री सेल, बाहर वाले सेल में एक या दो इलेक्ट्रॉन, उसके अंदर यदि आएंगे एक टू उसके सॉरी बाहर वाले सेल, सबसे जो बाहर वाला सेल है उसमें लेस देन एट, अंदर वाला 1 to 2, उससे अंदर
उससे अंदर यदि लेंगे तो 31 तक, यानी आप कह सकते हो 19 to 31। और या जो इनर ट्रांजिशन है इसको हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट्स नीचे में जो बनाए थे उन एलिमेंट्स को हम लोग इनर ट्रांजिशन बोले। लास्ट हमारा क्लासिफिकेशन है ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट, ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट यानी कह सकते हो एलिमेंट्स आफ्टर एटमिक नंबर 100 या आफ्टर यूरेनियम ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स होता है। ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स आफ्टर एटमिक नंबर यूरेनियम, यूरेनियम का 92 होता है, 92 के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स हैं। तो बोर्स क्लासिफिकेशन के बाद हम यदि ब्लॉक वाइज क्लासिफिकेशन करें तो यस ब्लॉक हुआ, उसके बाद पी ब्लॉक हुआ, डी ब्लॉक हुआ और नीचे में एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और साथ ही साथ यदि इनका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, नीचे में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, ब्लॉक तो मैं लिख ही दिया हूँ आप लोग समझ लीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि मैं करूँ तो एक पार्टिकुलर ग्रुप का पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। जैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1, इसका NS2, यहाँ पर NS2 NP1, इसका NS2 NP2 NS2 NP3 NS2 NP4 NS2 NP5 NS2 NP6 यहां लेते हैं यदि हम लोग, तो यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, NS2 N-1D1, इसका NS2 तो रहेगा N-1D2 N-1D3, यहां आकर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, NS1 N-1D5, इसका NS2 N-1D5, फिर NS2 रहेगा N-1D6 होगा N-1D7 N-1D8, फिर यहाँ जाकर चेंज हो जाएगा NS1 N-1D10 और इसका NS2 N-1D10। ये तो रहा ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। अब ग्रुप वाइज जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन यस में जा रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। पी में जा रहा है सो पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और डी में जा रहा है सो डी ब्लॉक एलिमेंट्स। कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है एफ ब्लॉक, तो एफ ब्लॉक का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वन NS2 N-1D 0 to 1 N-2 F 1 से 14 तक जाएगा, 1 से 14 तक जाएगा ए एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के ऊपर सारी प्रॉपर्टी डिपेंड करती है, लेकिन उसके पहले मैं ब्लॉक वाइज प्रॉपर्टी ले रहा हूं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स ए हाईली एक्टिव मेटल होते हैं, हाईली एक्टिव मैंने कहा, इनका आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम होता है, ए कैटायंस का फॉर्मेशन करते हैं, जनरली आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है और जनरली ये प्योर स्टेट में नहीं पाए जाते हैं। वहीं पी ब्लॉक ले तो पी ब्लॉक में मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, ये तीनों चीजें हैं। हम लोग देखें एस ब्लॉक से यदि कंपेयर करें तो इनका आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होता है, एस ब्लॉक से यदि कंपेयर करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी ज्यादा होती है। वहीं यदि डी ब्लॉक लें
तो डी ब्लॉक का प्रॉपर्टी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच का होता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स ये सारे मेटल होते हैं, हार्ड मेटल होते हैं, वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, और तो और एक कलर्ड आयंस का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब आप कह सकते हो इनके कंपाउंड कलरफुल होते हैं। तो आपको दो चीजें ध्यान में रखना है, डी ब्लॉक का आउटर, डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 to 10 और ए 1 to 2 है, और एफ ब्लॉक का जो कि प्रायः पूछ देता है कि डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एफ ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब पीरियोडिक टेबल में हम लोगों का प्रॉपर्टीज है, उन प्रॉपर्टीज को लेकर, प्रॉपर्टीज किसे कहते हैं, पीरियोडिक टेबल में कैसे वेरी करता है, वो सारी चीजें लेकर हम लोग करेंगे। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, खुश रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय एंड टेक केयर।